Hi cuties, it's Yashita. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Last vlog में मैंने आपको hint दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ and आप में से बहुत सारे लोगों ने सही guess किया है. I am going to Goa and this time it's a work trip. जैसे मैंने आपको बताया था, I'm very 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 excited. Airport में आ गई हूँ और मैंने इस vlog का intro सोचा airport पे ले लूँगी क्योंकि सुबह बहुत सारे काम थे और मैं बहुत जल्दी में थी. Of course, I'm with Nishchay. बंदी पूरी pastel बन गया है ऊपर से नीचे. मैं एक बार दिखाता हूँ, पूरी look दिखाता हूँ आपको. अरे यार पता है मुझे अपना लैपटॉप वगैरह सब लेके आना पड़ा और ये इतना ज्यादा हैवी फ्लाइट में बैठ के मुझे व्लॉग एडिट भी करना है. मैं दिखाऊंगी वो सबको. आपके चैनल पे कब स्टार्ट होने वाले लॉन्ग व्लॉग्स गाइस? आप बताओ, आप व्लॉग देखने आओगे वहाँ पे? तो इसके व्लॉग के BTS वहाँ पे डाल दूंगा कि व्लॉग कैसे बनाते हैं. हाँ, तो मैं बोल रही थी वी आर गोइंग ऑन अ वर्क ट्रिप. एक TVC एड कैंपेन का शूट है कुछ तो है जो कि मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी. और भी बाकी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जो कि आई थिंक वो हमें वहीं मिलेंगे. जो भी होगा मैं आपको अपडेटेड रखूंगी. अभी फिलहाल हमारे फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो रहा है, सो लेट्स गो. Have landed in Goa and these were all the other influencers जो हमारे साथ आए थे शूट पे. हम लोग गए अपने होटल चेक इन करने और उसके बाद हम डिनर करने आ गए द लिटिल गोवा विच वॉज़ अ वेरी नाइस वेरी एस्थेटिक रेस्टोरेंट. यहाँ पे हमने ऑर्डर किया अपना डिनर एंड साथ में मुझे वहाँ उनके फ्रिज में दिख गया था ये कांच की बॉटल में मिरिंडा. और जब भी ये कोल्ड ड्रिंक कांच की बॉटल में दिखती है ना, मेरे अंदर का वो बचपना जाग उठता है और मुझे मन करता है कि पी लूँ. वैसे मैं कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह इतना पीती नहीं हूँ, बट यस गोवा में थे तो थोड़ी बहुत चीट चलती है. गाइज गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे. कल हम सिर्फ डिनर करने गए थे क्योंकि आते आते 8 बज गए थे एंड 8:30 तक चेंज करके हम पास में ही गए. इस टाइम आई एम स्टेइंग इन नॉर्थ गोवा और हम रुके हैं कैलंगूट बीच के पास. तो इस एरिया में कभी मैं रुकी नहीं हूँ, मैं पहले कैलंगूट बीच आई हुई हूँ. बट यस, देखते हैं इस बार ये वाली साइड ऑफ गोवा एक्सप्लोर करके. आज का भी जो प्लान है, मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ. फिलहाल मुझे एक शूट करना है तो उसके लिए मैं रेडी होती हूँ और रेडी होकर आपसे मिलती हूँ. उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है आज के. जब शूट हो जाएगा उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा फ्री टाइम होगा आसपास के बीच एक्सप्लोर करने का. सो आई एम गोना कीप यू गाइज अपडेटेड. बट दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम. वेट, लेट मी शो यू. दिस इज़ द व्यू, ब्यूटिफुल लशियस ग्रीन. Hi guys, finally got done with the shoot and इतना ज़्यादा hectic था. especially इतनी गर्मी है ना April के मौसम में. पहली बार मैं April में गोवा आ रही हूँ. अभी shoot हो गया है done, तो finally थोड़ा time है. अभी तक मैंने सुबह से सिर्फ breakfast किया है, कुछ खाया भी नहीं है. हम लोग जा रहे हैं आज अंजुना साइड एंड आई थिंक लास्ट ईयर मैंने अंजुना में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. रियली लव दैट प्लेस, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफेज है. अंजुना बीच कैसे लग रहा है निश्चय? मैंने तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, अगर ये नहीं देखा. ज़्यादा डिलिशियस पिज़्ज़ा इस प्यारे से व्यू के साथ इन्जॉय करने के बाद हम गए सनसेट देखने एंड इट वॉज़ रियली रियली मेस्मराइजिंग. कितने बार भी सनसेट्स देख लो आई थिंक मेरा मन कभी भी नहीं भरेगा. गाइज, सो गॉट बैक फ्रॉम अंजुना. सनसेट तक हम वहीं थे और फिर आए और सारे बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सब लोग, हमने प्लान किया कि थोड़ी देर पूल में टाइम स्पेंड करते हैं. तो काफ़ी देर मज़े किए वहाँ पे एंड आके मैंने शावर ले लिया है. अगेन आई एम ड्रेस्ड अप क्योंकि अब प्लान बना है कैलंगूट बीच पे डिनर के लिए जाने का, कि वही बीच हमारे होटल के सबसे पास है और वहाँ जाके हम कहीं तो डिनर करेंगे. हाय गाइज, हम लोग आ गए हैं कैलंगूट के मार्केट में. पहले तो निश्चय का फर्स्ट टाइम इन गोवा है, सो यू टेल एवरीवन कैसा लग रहा है आज तुझे बीच देख के कैसा लगा? अगर आप गोवा नहीं आए
आप जितने भी साल के वो सारे साल वेस्ट हैं, आप अपने अगले साल वेस्ट कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। मतलब मैं तो देखो माउंटेन पर्सन हूँ, मैंने ऑलमोस्ट ऊपर के नॉर्थ के सारे माउंटेन्स कवर कर रखे हैं, बट भाई अब मैं माउंटेन से बीच पर्सन होने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा से बीच पर्सन थी और मैं इसको भी बीच पर्सन बना के रहूँगी। ऑलरेडी बना दिया है, एक बीच पे ही गया है आज और ये बीच पर्सन बन गया। मजा आता भाई बहर, जहाँ देखो वहाँ तक पानी भाई। सुकून है, सुकून बहुत, सूदिंग बहुत। गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज अगेन मैं रेडी हो गई हूँ फॉर द शूट। मुझे याद ही मैंने व्लॉग में बताया कि नहीं, पर हम यहाँ पे आए हैं रैपिडो का एक एंथम शूट करने के लिए। तो कल उसका थोड़ा सा पार्ट शूट हो गया था, उसके बाद हम घूमने निकल गए थे। आज जो रिमेनिंग पोर्शन है वो शूट करना है, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स का आई थिंक शूट चल रहा है अभी। करने के बाद आज का प्लान है कि हम जाएंगे मैंड्रम बीच, क्योंकि गोवा में, स्पेशली नॉर्थ गोवा में, दैट इज़ माई फेवरेट बीच। मैंने वहाँ पे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया हुआ है, तो उससे मेरी एक ऐसी स्पेशल यादें जुड़ी हुई है। रियली वॉन्ट टू गो देर एंड टेक निश्चय विद मी देर। तो अभी जैसे ही शूट होता है वहाँ जाएंगे, वो 40 मिनट्स दूर भी है, तो देखते हैं हमारी स्कूटी राइड कैसी रहेगी वहाँ तक की। फिलहाल चलते हैं फटाफट शूट पे और मैं ट्राई करती हूँ आपको थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स दिखाने का। तो मैंने आपको जैसे बोला था, हेयर इज अ लिटिल बिहाइंड द सीन फ्रॉम आर शूट। इसका जो रिजल्ट होगा वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे हम, तो आप वहाँ देख लेना। अभी हम शूट खत्म करने के बाद निकल गए हैं फाइनली मैंड्रम बीच पे। गाइज फाइनली वी गॉट डन विद द शूट। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ वैसे कितनी आ रही होगी क्योंकि अब म्यूजिक चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। शूट तो गाने ही आ गए। ओके बाय गाइज। मैं वॉइस ओवर में समझा देती हूँ मैं क्या बोलना चाहती थी। मैंड्रम बीच पे जाने के पहले हमें लंच करना था, तो हम वहाँ पे ही पास में एक शैक पे रुक गए थे एंड हमने वहाँ ये गोवन थाली ऑर्डर की थी, जो कि काफ़ी यूनिक सी थी एंड काफ़ी डिलिशियस थी। थोड़ा सा हाइकिंग है यहाँ पे, हाइक कर रहे हैं, हाइक ही नहीं है लॉकिंग है। ओह लेम जोक, कैप्चर हो गया कैमरे पे। ऐसे लग रहा है आपने 5 आउटफिट पहन रखे इसके नीचे। दिख रहा है क्या? एम एस बी शेयर में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, अब अगर रश हुआ तो वो तेरे ब्लॉग की वजह से हुआ तो शायद। एक्चुअली हम टाइम ऐसे मस्त अच्छे सबसे सूदिंग टाइम पे आया ना, सनसेट टाइम पे। ये देखो है ना सुंदर, गोवा टूरिज्म का सारा भार इश्ता ने अपने ब्लॉग्स को दे दिया है। दैट्स ट्रू, गोवा टूरिज्म, व्हेन आर यू, दे शुड मेक मी द ब्रांड एंबेसडर, प्लीज स्पॉन्सर आवर ट्रिप गोवा टूरिज्म, एज इफ दिस ट्रिप इज नॉट स्पॉन्सर्ड इन। मैंड्रम बीच से लौटते टाइम हमारे रास्ते में ये बहुत ही सुंदर सा चर्च आया था जहाँ हम रुके थे फोटोज क्लिक करने, और वहाँ मुझे मिले मेरे क्यूटी फैम मेंबर्स जो कि स्पेशली स्कूटी से फॉलो करते हुए हमारे पीछे आ रहे थे, और सच में उनसे मिलके मेरा दिन बन गया था। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग हाय इफ यू वॉचिंग दिस व्लॉग। कहाँ हैं हम लोग? डोमिनोज। डोमिनोज चाहे कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुड़गांव में हो या गोवा में हो, डोमिनोज इज अ मस्ट। एंड आज सर का चीट डे है। मेरा तेरे व्लॉग देखते नहीं है। नहीं मैंने खा रहा। नहीं नहीं ये थोड़ी खा रहा है, मैं ही तो खाऊंगी पूरा मीडियम चीज बस पिज्जा विद गार्लिक ब्रेड एंड चीज एंड पूरा अकेले। डोमिनोज़
में खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं कैलिंगूट के मार्केट में, क्योंकि निश्चय को सबके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। मैं एज सच कुछ ले नहीं रही हूँ, क्योंकि आई थिंक गोवा का हर चीज़, गोवा से मैं हर चीज़ लेके जा चुकी हूँ, चाहे वो बैग हो, की चेन्स हो, एंकलेट्स हो। बट ठीक है, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी, लेट्स सी। बट अभी फ़िलहाल आई एम हेल्पिंग हिम आउट टू पिक समथिंग। वो पैंडा बना रही हूँ, क्यूट है, क्यूट है ना। फोन आ जाएगा इसमें? फोन नहीं आ पाएगा, पैसे आ पाएंगे, वॉलेट टाइप नहीं आ पाएगा। वो खराब नहीं रहेगा। गाइस, कभी आपने ऐसे छिलके के साथ देखे ना काजू? पहली बार देखे ना, सही। वाह, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड इट इज़ आवर लास्ट डे हियर। आज हम 12 बजे तक निकल जाएंगे, हमारी फ़्लाइट है 2 बजे की, और हम सुबह सुबह उठ के आ गए हैं कैलिंगूट बीच। इसमें भी आए थे हम उस दिन, और रात में इस बीच का एकदम ही अलग सीन रहता है, और सुबह फिर भी इट इज़ लुकिंग पीसफुल है। सुबह सुबह वाला फ़र्क है, अब ये बर्थ अपनी स्लीप को ख़राब करने वाला है। और चीज़ बतानी है मेरे को आप सबको, मेरी एक ब्लू कलर की बोतल थी, मैंने यहाँ रखी थी, इसने कहा था कि उठा के कौन जाएगा यार, रख दे, मेरी फेवरेट बोतल थी, क्योंकि इसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। अगर कोई मुझे मिला, मैं पोस्ट चेक करता रहूँगा गोवा के टैग वैग से, कोई मुझे उससे पानी पीता दिखा, क्योंकि वो मुझे पता है, मैंने उस पर निशानी लगा रखी थी। अगर किसकी वो बोतल दिखी ना भाई किसी के पास, ऐसा स्पैम करूँगा ना भाई, मैंने इसको फर्स्ट डे पे बोला कि अपनी बोतल चप्पल रख दे, कुछ नहीं होता, यहाँ कौन ले जाता है। और पहले ही दिन कट टू नेक्स्ट सेकंड, एक सेकंड पलटे, बोतल गायब नहीं है भाई, शुक्र है। पहली बार हुआ है मेरे साथ गोवा में कि कुछ ऐसा सामान कोई ले गया, और ये तो कभी कोई कुछ नहीं ले जाता। सो एनीवे, पानी की बोतल ले गया यार, अब हाइड्रेटेड कैसे रहेंगे हम, नारियल पानी पी के, ठीक है। एंड या गाइज, आई एम एंडिंग द गोवा 2024 व्लॉग राइट हियर। इसकी एंडिंग लेना मैं भूल गई थी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमने अपनी फ्लाइट कैच करी इस बार। बट येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।